केंद्रीय पेयजल मंत्री और मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई और पूर्व विधायक स्वामी प्रसाद लोधी का नई दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में रविवार को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को टीकमगढ़ स्थित उनके निवास पर लाया गया और उनके फार्म हाउस दिव्यांतरण पर राजकीय सम्मान के साथ शव पर तिरंगा रखकर सलामी भी दी गई। बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र नील ने पिता को मुखाग्नि दी। शव यात्रा उमा भारती के बंगले सिविल लाइन से शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह शामिल हुए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शव यात्रा में प्रदेश समेत देश भर से आए तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए जो भी कदम हो सकते थे उमा जी ने उसको पूरी तरह से निभाया है। और जो हम सब सुनते भी थे उनकी जिजीवसा के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जहां परिवार में एक बड़े भाई की भूमिका का निर्वाह किया, वहीं सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक के क्षेत्र में अपने लगातार परिश्रम से जो अपना स्थान बनाया, जिनसे वो अत्यंत आत्मीयता से मिला करते थे, उन सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपने संबोधन में कहा कि मां के जाने के बाद हमारे बड़े भाई स्वामी लोधी ख्याल रखा करते थे। मां और पिता की दोनों की भूमिका उन्होंने अदा की। राजनीति में खुद ना आकर हमें आगे किया और खुद पीछे से सहयोग करते रहे। डॉक्टर आने वाले चले गए और मेरे बड़े भाई शिवराज जी मेरे से 1.5 साल ही बड़े हैं, अब उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई। कल मैंने जब बात की, हमारी उनका फोन आया मुझे, मैंने कहा अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, अब आपको स्वामी प्रसाद जी की जगह लेनी पड़ेगी मेरी जिंदगी में। और सचमुच में वो अभी हमारे आप प्रेस वाले कुछ भी कहें, क्योंकि प्रेस वाले अनुमान से बातें करते हैं। हमारे यहाँ शिवराज जी के संबंध वास्तव में बड़े भाई और छोटी बहन के हैं, बल्कि कई बार तो बोलती हूँ तीसरी संतान हूँ, बोलती दो बेटा और मैं एक बेटी, मैं यही बोलती हूँ उसको। और इसलिए आज वो यहाँ आए, राकेश जी आए, हमारे प्रभात जी आए, उत्तम सिंह जी आए, हमारे सांसद जी हैं यहाँ के, वो आए, मन्नू जी आए, और यहाँ बहुत सारे हमारे विधायक और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बैठे हुए हैं, जिनके नाम नहीं ले पाऊंगी, तो कोई नाम छूट जाएगा तो मेरे को उसका अपराध बनूंगा। इसलिए मैं आप सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम त्रयोदशी बहुत संक्षेप में करते हैं, हमने परिवार में विवाह और त्रयोदशी में खर्च नहीं करना। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह कला और विज्ञान जानते थे, जिसकी वजह से उमा जी को देश और प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। अगर किसी को है तो स्वामी भाई साहब को है। वो कला और विज्ञान जानते थे कि जिसके कारण उमा जी अपनी विद्वता से, अपनी प्रखरता से, अपनी दृढ़ता और अपने साहस से पूरे देश की सेवा कर सकी। रामलला से लेके जब रहते हैं उनमें से वो एक थे, इसलिए भौतिक शरीर से ना रहते हुए भी उनका स्नेह दीदी को तो मिले गई, हम सबको भी सदैव प्राप्त होता रहेगा। और दीदी, हम उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इतना वचन देना और विश्वास दिलाने जैसे शब्दों का उपयोग भी ठीक नहीं है। सदैव आपके साथ आपका ये भाई और आपका ये परिवार सदैव साथ खड़ा रहेगा।
और हम सब मिलकर जन कल्याण और देश सेवा के काम करते रहेंगे। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से, हमने जो फैसला किया सोच समझ के फैसला किया राजकीय सम्मान देने का, क्योंकि उन्होंने उमा जी जैसी अद्भुत नेता का निर्माण किया, उनके पीछे पूरी जिंदगी खपाई और अपनी पूरी जिंदगी, व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ था देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए था, वो निर्वाचित विधायक रहे। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज। प्रवेश प्रारंभ। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त संस्था, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, DCA और PGDCA कोर्स, लिमिटेड सीटें, आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संस्था में टॉप करने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को लैपटॉप, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को टैबलेट और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया जाएगा। संस्था में उपलब्ध विशेष सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति के साथ प्रशिक्षण, प्रोजेक्टर क्लासरूम, सर्टिफाइड शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, वातानुकूलित AC क्लासरूम, वाईफाई सुविधा युक्त कैंपस, RO प्यूरिफायर, पीने का पानी, CCTV कैमरा से सुरक्षित क्लासरूम, लाइब्रेरी की सुविधा, साथ ही स्पेशल क्लासेस, CBCT का प्रशिक्षण, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारा पता है संजय ड्राइव रोड, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9425139885, 9074626262।